सो हाई एवरी वन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माई चैनल। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मुझे शेयर करना है। वैसे तो यार अभी मैं पढ़ाई कर रहा था और 5 मई को आपका नीट का एग्ज़ाम है, जिसको देने के बाद आप मेडिकल कॉलेज में इंटर करोगे और बस कुछ ही दिन के बाद 8 मई को हमारा MBBS का फाइनल एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाला है, जिसको देने के बाद हम लोग कॉलेज को एग्ज़िट करेंगे और उसी की तैयारी में हम लगे हुए हैं। और बीच बीच में हम आपको भी हेल्प कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, जो भी हम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं, ठीक है। अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, स्टडी मटेरियल से लेके बाकी एवरीथिंग। अभी मुझे क्या पता चला है कि नीट 2024 का आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ हो गया, ठीक है। मैंने साइट ओपन करने की बार बार कोशिश की है, एक बार खुला था, मैंने देख लिया कि हाँ साइट करेक्ट है, इन्फॉर्मेशन एकदम करेक्ट है कि आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ हो गया है। बट क्या हो रहा है ना कि बहुत सारे बच्चे एकाएक डाउनलोड करने के लिए चले गए हैं, जिसकी वजह से आप डाउनलोड नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैंने आईपैड में भी यहाँ भी खोलने की कोशिश करा, आप देख सकते हो यहाँ भी नहीं खुला, ठीक है। तो आप एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाओगे, तो मैं आपसे क्या रिक्वेस्ट करूँगा, देखो यार एडमिट कार्ड आप आज डाउनलोड करो, कल करो, परसों करो, वो रहेगा सेम ही। जो मैं मुझे लगता है ऑनेस्टली जो चीज़ बताना एज अ MBBS स्टूडेंट, भाई मेडिकल कॉलेज में हम हैं, हर साल बहुत सारे बच्चे को देखते हैं, और एज अ नीट एस्पिरेंट जब मैं हुआ करता था, मेरा माइंडसेट बस इतना था लास्ट के समय में, ये तुम्हें कोई और नहीं बताएगा, ये सारी बातें तुम्हें कोई और नहीं बताएगा जो यूट्यूबर्स हैं, मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम खुद के दिमाग को कंट्रोल करो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट का 3 दिन 4 दिन इतना ज़्यादा क्रूशियल होता है ना, यहाँ पे बहुत लोग बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी फील करने लगते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ये लगने लगता है यार कि हमें कुछ याद ही नहीं है, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, हताश हो जाते हैं यार। और सबसे बड़ी चीज़ आपके लिए अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यही है कि आप खुद को कंट्रोल करो, समझ में आ रहा है ना, खुद को कंट्रोल करो और करना कुछ नहीं यार। पता चल गया एडमिट कार्ड आया है, ठीक है आया है, इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया है कि उसमें क्या भरना है, कैसे भरना है, सब कुछ मैंने आपको दे दिया, कौन सा फोटो लगेगा, कहाँ पे लगेगा, क्या परफॉर्म है, सब कुछ बता दिया मैंने आपको, पता भी चल गया। अब आपका क्या काम है, बंद करो ये सारी चीज़ें, ठीक है, और जो भी 3 4 दिन बचे हुए हैं उसको अच्छे से यूज़ करो पढ़ाई करने में, ठीक है। अगर तुम लास्ट के 3 4 दिन में इफेक्टिवली पूरे सिलेबस को एक बार रिवाइज कर लेते हो, पूरे सिलेबस को एक बार रिवाइज कर लेते हो, बिलीव मी आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, ये मैंने खुद किया था, मैंने नीट में पहली बार में सिलेक्शन लिया था। द रीज़न इज ओनली कि मैंने पूरे सिलेबस को लास्ट के समय में 2 बार रिवाइज करा था, और अगर आप कर लिए तो बिलीव मी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप करके देखो। कोशिश तुम्हारी ये होना चाहिए, ये नहीं कि सबसे पहले एडमिट कार्ड मुझे डाउनलोड करना है, ये क्या फालतू बात है, ठीक है। साइट क्रैश इसीलिए हुआ है, और पता है लाखों बच्चे अभी डाउनलोड करने के लिए पीछे चले होंगे, और जिसका इस बार सिलेक्शन होगा, जो सच में पढ़ाई कर रहे हैं और जो 2% बच्चा सेलेक्ट होके कॉलेज में आएंगे, वो ये सब कुछ नहीं कर रहा होगा, कुछ नहीं कर रहा होगा। 2 लाख 20 लाख बच्चे हैं ना, मैं बता रहा हूँ, 20 लाख बच्चे हैं जो ऐसे ये सब चीज़ करते रहते हैं, जल्दी से मुझे एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना, जल्दी से मुझे ये करना, उसे कुछ नहीं होने वाला, पढ़ाई करो, पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है। ऑनेस्टली मैंने ये बताया आपको, प्लीज़ आप अपने आप को कंट्रोल करो, ठीक है। एडमिट कार्ड कल डाउनलोड कर लेना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप हमारे टेलीग्राम पे भी जाओगे, टेलीग्राम पे हम मैंने आपको लिंक दे रखा है, वहाँ पे मैंने स्टडी मटेरियल्स भी दे रखा है, जैसे लाइक फिजिक्स का फॉर्मूला सीट हो गया, रैपिड रिवीजन करने के लिए बायोलॉजी का तुम्हारा नेम डेट फुल फॉर्म्स है ना, साइंटिस्ट के नेम, ये सारी चीज़ मैंने दे दिया, वो सारी चीज़ों को चेक करो ना, वो यूज़ करो, वो ज़्यादा सही जरूरी है तुम्हारे लिए, ना कि एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड तो 2 दिन के बाद भी करोगे तो वही सेंटर रहेगा, ठीक है। समझदार हो, समझदारी से काम लो, ये चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि मैंने हमेशा आपको हेल्प करा है, आगे भी हेल्प जरूर करूँगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट।